गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो सभी? ठंड बहुत है भाई, कल थोड़ा ट्रैवल कर रहा था तो सर्दी थोड़ी सी ज्यादा ही हो गई थी। हाँ, अच्छा तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई कल, और अरुण ने काफी अच्छी प्रतिभा बताई है मालाम की। तो मुस्कान, आंखें जबरदस्त। नहीं, मैं उद्या नहीं जा पाया, ज्यादा दूर नहीं है, बट वही है कि 2020 बंद थी, भीड़ काफी होगी, है ना। देखते हैं, बाद में जा सोच रहा हूँ, बाद में प्लान करेंगे। ओके, सो टेस्ट आप लोगों ने दिया, रिजल्ट्स में देख रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जो मतलब गलती, उन्होंने बहुत ऐसी सिली मिस्टेक्स करी है ना। मैंने जानबूझ के क्या किया था आपको घुमाने के लिए, कई जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला था आपका, भूमध्य रेखा वाला, इक्वेटर पासेस थ्रू, इक्वेटर गुजरता है इंडिया से, और कुछ स्टेट्स के नाम डाल दिए और साथ में लिख दिया कि नन ऑफ दी अबव, है ना। और जो भूमध्य रेखा, जहां से मतलब जहां जहां से हमारी कैंसर गुजर रही है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है, उनसे कुछ कॉन्साइड कर रहे थे, सही नहीं थे वो, कॉन्साइड कर रहे थे। तो आपने उसको सोच के कि हाँ, कर्क रेखा इधर से गुजरती है, हो सकता है ऑप्शन करेक्ट हो, आप लोगों ने उसको भी कर दिया। एक बाउंसर मैंने डाला था, जहां पे ना स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट वो क्वेश्चन जो था मैंने उठाया था यूपीएससी से, यूपीएससी ने शायद एक बार ही पूछा है, बट स्टेट पीएससी ना बार बार पूछते रहते हैं। तो उसमें कुछ चार प्लेसेस के नाम हैं, और जो कि आपको बताना था कि नियरेस्ट कौन सा है कर्क रेखा, ठीक है, अगरतला हो गया, है ना, गांधीनगर, ठीक है, दो तीन और प्लेसेस थे, तो मैं जानबूझ के डाले थे गाइस। खुद सोचो, अगर इनका आप लैटिट्यूडल वैल्यू देखो देखोगे ना, इन सिटीज का, है ना, तो आपका 23.5 पे कर्क रेखा है ना, तो इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट 23.5 के आसपास ही है, कितना रख लो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप प्लस की बजाय नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करते हैं, ठीक है, प्लस की बजाय नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करते हो, क्यों, ऐसे क्वेश्चंस की गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो प्ले स्मार्ट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, मैं जानबूझ के डाला था, ठीक है, होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू गाइस। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सेशन कर लेंगे आधे घंटे का, है ना, वो 20 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन है, मतलब कई सारे एग्जाम्स में वो पूछे भी गए हैं, पूछे जा सकते हैं, और बहुत ज्यादा उनमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब डायरेक्टली सीधा सीधा नहीं मैंने पूछा है ना, मैंने घुमा के पूछा हुआ है, ठीक, मैंने ये नहीं पूछा कि आपका जो आपके पास जो इंडिया का जितना वो फैला हुआ है, फैले होने की वजह से दोनों में टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, थोड़ा सा कि अरुणाचल का एक गांव फादेस्ट है ना, वेस्ट में, पश्चिम में आपका गुजरात है, गुजरात का आखिरी गांव, ठीक है, उसके बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा जानबूझ के, ताकि आपको कॉन्सेप्ट लगे। मैंने देखा कि एक जगह मैंने टेस्ट दिया था, ये 6-6 मिनट, मतलब 20 क्वेश्चन आपने 6 मिनट में कर डाले, ठीक है, सो अच्छी बात है, बट स्पीड के मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स मिलते हैं आपको ठीक करने के, समझ रहे हो, सो वो उस चीज का ध्यान, ठीक है,
लोग ऑलमोस्ट काफी आ गए हैं, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। हमें ऑडिबल? बात सही है, सब कुछ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं दिख रही है। चलो, ओके। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा समझने का भी है, थोड़ा सा आपको याद भी करना रहेगा, थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि ऐसा क्यों है ना, तो वो सारा का सारा हम करेंगे। जहां पे भी आपको लगे नहीं आपको दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार मुझे बता देने का, ठीक है? आगे चलते हैं। आज तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक जो है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थ का इंटीरियर आज हम पढ़ने वाले, ठीक है? अर्थ का इंटीरियर हम जब पढ़ रहे हैं, ये देखो, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो भी गया होगा। देखिए, ये कुछ बार है ना, देखो, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, है ना? तो ये कुछ कुछ हम पढ़ेंगे। पहले जब हम इसमें आगे बढ़े, ठीक है, तो आपको पहले तो ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई साहब, ठीक है, समझ आ रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ जो है ना, ठीक है, क्रस्ट, मतलब उसको क्या बोलते हैं आप, भूपर्पटी, है ना? उसके बाद आपका मेंटल आता है, मेंटली बोलते हो, ठीक है, फिर आपका कोर आता है, और हिंदी में इसको आप क्रोड बोलते हो। तो ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार एक बात मुझे बताओ, ये हमें कैसे पता लगता है ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा केंद्र है मुझे बताओ, मतलब हाँ, ये पोर्शन मेंटल है, तो फिर आपका मेंटल आउटर कोर होगा, फिर आपका इनर कोर होगा, तो ये पता कैसे लगता है, कैसे पता लगा, है ना? हमने कंक्लूड कैसे किया कि इस तरह की पृथ्वी के अंदर पड़ते हैं? ये ऐसा तो है नहीं कि ये आपकी लिमिटेशन है ना, आप ऐसा तो कर नहीं पाओगे भी, यहां से आपने गड्ढा खोदना स्टार्ट किया, अब गड्ढा खोदते 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 जब तक आ गए, है ना, लगभग लगभग 6,400 किलोमीटर सेंटर है आपका ये, अगर आप ये देखोगे ना, यहां से लेकर के, दूसरा कलर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दूँ उसको, अरे जा भाई, परफेक्ट गोले बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज। थोड़ा सा इस चीज को, डिस्टेंस को जरा थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि इस तरह से नहीं मैंने बनाया, मैं सिर्फ एक आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ लेयर के बारे में। तो अगर आप इस सेंटर की बात करो ना, ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक लगभग 6,371 किलोमीटर लंबा है। वेट अ मिनट यार,
नहीं मंजीत जी, हैव जस्ट स्टार्टेड। थोड़ा सा कल पेपर के बारे में मैंने बात करी है, ठीक है। तो अब ये देखो, आपको आना पड़ेगा कुछ 6,371 किलोमीटर। आप यहाँ से सतह से लेकर के आप सेंटर तक आ रहे हो, 6,371 किलोमीटर के आसपास का है ये रफली। आप इसको 6,400 ही ले सकते हो, 6,371 या 6,400 किलोमीटर। क्या ये पॉसिबल है कि यहां से लेकर के यहां तक आप इसको खोद सको? मतलब खोदना पॉसिबल है क्या? तो इधर से लेकर के यहां तक आप खोदना शुरू हो गए, तो यहां तक खोद पाओगे आप? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नहीं, है ना। तो अगर देखो, मैक्सिमम जो हम लोगों ने खुदाई करी है, तो आप देखो अगर अफ्रीका में ना, साउथ अफ्रीका में कुछ खाने हैं, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में जो खाने हैं ना, सोने वोने की, तो मैक्सिमम जो हमने अभी तक खोली, मतलब खोदी है, ठीक है, जितनी अभी तक हम खोद कर चुके हैं, मतलब खोद चुके हैं उसको, ठीक है, तो वहां हमने लगभग लगभग मान के चलो कि अराउंड 3 से 4 किलोमीटर तक गहराई तक हम जा पाए। तो इधर आप मतलब, ये क्रस्ट भी आपकी लगभग लगभग 34 किलोमीटर के आसपास होती है, भूपर पट्टी जो है, आप यहाँ तक भी मतलब नहीं क्रॉस कर पाए हो उसको। आप सिर्फ खुदाई जो आप कर पाए हो, जो आप एक्सकवेशन कर पाए हो, वो अराउंड लैंड पे जो है वो 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक। जो ड्रिलिंग हो रखी है, आप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की सुनते हैं ना, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स की हम बहुत सारी बात करते हैं। ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हुए हैं, ओशन ड्रिलिंग है ना, ओशन ड्रिलिंग के अंदर भी हम लगभग लगभग 12 किलोमीटर तक पहुंचे। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, जब हम पहुंचे ही 3 से 4 किलोमीटर तक है, तो यहां तक ही हम आ पाए, यहां तक आप आए, यहाँ भी मतलब 3 से 4 किलोमीटर लगभग, मैक्सिमम 12 किलोमीटर आप ओशन का रखो, है ना। तो हम इतना अगर हम पहुंचे हैं, अगर हम इतना पहुंचे हैं, तो फिर हम बात ये 6,371 किलोमीटर की कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो है क्या, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के जो सोर्सेस है, मतलब पृथ्वी के जो मतलब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, पृथ्वी को पढ़ने के जो जो सोर्सेस हैं, ठीक है, उनको हमने क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कैसे हैं? एक तो आपके डायरेक्ट सोर्स है, ठीक है, और एक आपके इनडायरेक्ट सोर्स है। अब डायरेक्ट सोर्स में क्या है, जैसे कि आपको पृथ्वी है ना, अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे आपको क्या मिल जाती है, रॉक्स मिल जाती है। अब रॉक्स क्या है, अल्टीमेटली नीचे से क्या निकलता है, मैग्मा आ रहा होता है, मैग्मा से लावा ऊपर आता है, लावा से क्या होता है, लावा बाहर निकलता है, उससे ही चट्टाने बन जाती है, रॉक्स बन जाती है ना। तो रॉक्स क्या, बेसिकली आपकी अंदर से आए हुए लावा से ही बनती है। तो जो रॉक्स आपको मिलती है ना, ठीक है, आप रॉक्स की स्टडी कर लेते हो, है ना, रॉक्स में देखते हो कौन कौन से इसमें मटेरियल्स हैं, क्या है, ठीक है, आप रॉक की स्टडी कर लेते हो, उससे आपको आइडिया रह जा हो जाता है कि क्या क्या ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, जब ज्वालामुखी निकलता है, जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है ना, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद भी क्या होता है, बहुत सारी गैसें है ना, बहुत सारे मटेरियल बाहर आता है, लावा जो आता है, आपको पता है, जब तक वो पृथ्वी के अंदर रहता है, अर्थ के अंदर रहता है, तब तक हम उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। जैसे ही वो बाहर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं लावा। ठीक है। तो जो पृथ्वी के अंदर से जो लावा आपका बाहर आ रहा है, उसकी भी हम स्टडी कर रहे हैं। हाँ, तो जब लावा में ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, वोल्केनिक इरप्शन जो होता है, ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शन में क्या क्या चीजें निकलती हैं, बहुत ही मतलब पिघली हुई चट्टानें निकल रही है ना,
पिघली हुई चट्टानें निकल रही हैं, गैसें निकल रही हैं, है ना, बहुत जबरदस्त हीट निकल रही है, देखा होगा, मतलब बहता हुआ महकमा, मतलब रेड कलर की, जैसे ऐसा लगता है कि नदी आ गई है और उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है उसको जलाता हुआ चला जाता है ना। तो इससे आप क्या समझ आ रहा है कि अगर मैं सिर्फ यही सोचूं कि मैं अभी चलो एक ज्वालामुखी मुखी को स्टडी कर, है ना, एक ज्वालामुखी को मैं स्टडी कर रहा हूं और ज्वालामुखी को स्टडी करने के बाद मुझे दिखता है कि ये भाई अंदर से ना पिघली हुई चट्टाने निकली हैं, मोल्टन रॉक्स निकल रही है ना, गैसेस निकल रही है ना, यही कुछ निकल रहा है। तो आप अगर ये देख के अगर बताओगे तो आपको एक क्या, आप क्या बता रहे हो, पृथ्वी अंदर क्या हो सकता है? एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत हाई है, बहुत हाई, तभी तो चट्टाने भी पिघला रहा है ना, गैसेस भी निकल रही है, इसका मतलब नीचे कहीं पे ना गैसेस भी होती है। अब सवाल आता है, टेम्परेचर जो है वो इतना है कि वो चट्टाने पिघला देता है ना, चट्टाने पिघलाने वाला टेम्परेचर है। और साथ में अगर आप ये देखोगे कि जैसे जैसे आप देखोगे ना पृथ्वी पे, आपको एक बहुत सुंदर सा आइडिया देता हूँ, जो हमारी पृथ्वी है ना उसका जो घनत्व है, मतलब ओवरऑल जो डेंसिटी है वो 5.5 के आसपास है, ठीक है, पृथ्वी की जो डेंसिटी है वो लगभग लगभग 5.5 के आसपास है, 5.5 है। अगर आप देखोगे, मतलब सोचो, मतलब ये तो पृथ्वी की जो घनत्व है ना वो 5.5, मतलब ओवरऑल मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पृथ्वी का घनत्व जो है वो है आपका 5.5। लेकिन जब आप सरफेस की, सतह की जब बात कर रहे हो, पृथ्वी का जो सतह है, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जैसे ये है ना, मान लो आप पृथ्वी है, ठीक है, अब पृथ्वी जो ओवरऑल इसका जो डेंसिटी है वो तो क्या है, 5.5 के आसपास है, पूरा जो इसके अंदर का जो जो मटेरियल भरा हुआ है ना, फूट फूट के हमने वो भरा हुआ है 5.5। लेकिन जो इसकी सतह है, ठीक है, जो उसकी क्रस्ट या सतह जो आप उसको बोलते हो ना, जो जो मतलब चट्टाने जो आपको सतह पे पाई जाती है, ठीक है, जो सतह की डेंसिटी है वो लगभग लगभग 3 के आसपास है, घनत्व, घनत्व डेंसिटी, ठीक है, सो लगभग लगभग 3 के आसपास। तो आप ये खुद सोचो, अगर पृथ्वी जो है उसका घनत्व है 5.5 और सतह का है 3, इसका मतलब ये होगा कि आगे डेंसिटी घनत्व बहुत ज्यादा होगा, तभी इसका एवरेज 5.5 आ रहा है जब ऊपर वाला 3 है। आप ये भी सोच सकते हो, जो तो चट्टानें आपकी सरफेस पे मिल रही हैं, अगर उन्हें आप कंपेयर करोगे पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों से, ये कम कठोर है, ठीक है, और 5.5 मतलब पृथ्वी के अंदर जो है वो चट्टानें ज्यादा कठोर होंगी। अब उन कठोर चट्टान जो है उनको भी पिघला दे रहा है कोई टेम्परेचर, है ना, तो समझो कितना भयंकर वाला तापमान। अब सवाल आता है कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर तापमान हो सकता है बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई लावा निकल के बाहर आ रहा है ना, तो ये सीधा सीधा डायरेक्टली एक एविडेंस ये हमें दे रहा है कि पृथ्वी के अंदर तापमान जी बहुत ज्यादा है, तो हमको समझ आ रहा है कि तापमान ही बहुत ज्यादा आ रहा है, तभी तो पिघल रही है चीजें, राइट। तो अब ये तापमान और किधर से आ रहा है, ये क्यों है इतना ज्यादा तापमान अंदर, ये तापमान क्यों ना ज्यादा। एक हम छोटी सी, जब हम स्टडी करते हैं, जब हम खुदाई कर रहे थे तो हमें क्या मिला, लगभग लगभग जब आप 32 मीटर जाते हो ना, जब आप 32 मीटर जाते हो, 32 मीटर जाते हो, तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 3-4 किलोमीटर गए होगे तो आप सोच, खुद सोचो सरफेस से
मतलब हर 32 मीटर पे आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, है ना। तो आप जब 3 किलोमीटर मतलब 3,000 मीटर गए, 3,000 मीटर जब आप गए, ठीक है, 3,000 मीटर पहुंचते पहुंचते कितना टेम्परेचर हो जाएगा बताइए। अगर हम मान के चले पृथ्वी डिग्री, पृथ्वी के ऊपर सतह पे मान लेते 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही था, ठीक है, क्या आप सोच सकते हो कि 3 3 किलोमीटर पे जाके कोई ह्यूमन जाके इसकी खुदाई कर सकता है? अनबियरेबल टेम्परेचर हो जाएगा ये। हम नॉर्थ में देखा है ना, 50 के आसपास हम कभी पहुंचते नहीं है, 50 टेम्परेचर हो जाता है, बैंड बज जाती है। सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो? सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये खुद सोचो कि अराउंड 80-90 डिग्री पे, ठीक है, 80-90 डिग्री पे कितना टेम्परेचर, मतलब कैसे सरवाइव करोगे? पीयूष क्या पूछ रहे हो आप कि यूनिट क्या है? 5.5 का मतलब है कि इतने 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोगे, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऐसे, 1 सेंटीमीटर इतना, उसमें लगभग 5.5 ग्राम के आसपास मटेरियल होगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लगभग 5 ग्राम के आसपास, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। ऑब्वियसली 50 डिग्री बहुत हो जाता है। आपको सोचो कि आपकी सारी मशीनें वशीनें ना सबकी बैंड बज जाने वाली है, नीचे जाएगी तो, ठीक है। तो अब वही हम बात कर रहे थे कि हम अब भाई डायरेक्टली तो पहुंच नहीं सकते, है ना। अब यहाँ पे भी देखो, जो हम वोल्केनो की बात कर रहे थे अभी, तो वोल्केनो से हमें ये तो नजर आ रहा है, ये तो हमें समझ आ रहा है कि भाई पृथ्वी के अंदर तापमान है, ठीक है, भयंकर वाला तापमान है, वो बहुत हाई टेम्परेचर है। और अब इतना हाई टेम्परेचर है ये, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि पृथ्वी, ठीक है, आपको बाहर लिक्विड आता हुआ दिखता है, बट पूरी लिक्विड में कहीं ना, जो पृथ्वी है, ठीक है, उसमें सॉलिड पोर्शन भी आपको समझ आ रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जितना हाई टेम्परेचर है, अब हाई टेम्परेचर को भी वो कोई झेल, उसका मतलब उसको कौन बैलेंस आउट कर पा रहा होगा? हाई प्रेशर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा पृथ्वी के इंटीरियर में हाई टेम्परेचर के साथ साथ हाई प्रेशर भी रहेगा। हाई प्रेशर हम कहां से और देख सकते हैं, जब चट्टान वगैरह जो आपकी सरफेस पे मिल रही है उनका जो डेंसिटी है 3 है, ठीक है, और पूरी अर्थ का 5.5 है, डेफिनेटली के अंदर डेंसिटी ज्यादा है। जब डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी क्या होगी, जब प्रेशर लगेगा, दबाव होगा, समझ रहे हो, तो वहां पे हम हाई प्रेशर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। याद है, क्लियर है चैंपियंस, ठीक है। तो रॉक्स, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से डायरेक्ट सोर्सेस है, कौन से इनडायरेक्ट सोर्सेस है, ठीक है सर। आगे बढ़े आगे, ठीक है। सो इनडायरेक्ट सोर्सेस की हम बात कर लेते हैं। मैंने टेम्परेचर की बात करी, ठीक है, मैंने बताया आपको कि लगभग लगभग हर 32 डिग्री पे, हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का डिफरेंस आता है। आपको मैंने प्रेशर की बात भी बता दी, डेंसिटी की बात भी मैंने बता दी, ठीक है। अब होता क्या है गाइस, आपने देखा होगा कि मीटियोर्स होते हैं ना आसमान से, उल्का पिंड जो आप बोलते हो, वो उल्का पिंड जमीन पे गिरते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनकी हम स्टडी कर लेते हैं, इनका कंपोजिशन वगैरह, क्योंकि अर्थ भी क्या है, जैसे बाकी सारे प्लैनेट्स है ना, उसी तरह का एक ये भी प्लैनेट है। तो मेटियोर्स जो है, जो गिर रहे हैं, जो उनके टुकड़े गिर रहे हैं, वो उनसे भी हमें थोड़ा सी मदद मिलती है स्टडी करने में, कि वो अर्थ की तरह ही है सारे, ठीक है। तो हमको भी एक इनडायरेक्ट सोर्सेस मान लेते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेस इसलिए क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर से तो निकले नहीं है, बाहर से आए हैं, है ना, तो उसको हम इनडायरेक्ट सोर्सेस में ले लेते। अब आप ग्रेविटेशन की बात करो, ठीक है, ग्रेविटेशन की बात कर लेते हैं अपन लोग।
अर्थ जो है ना, अर्थ कुछ इस तरह की है जी, मतलब पोल्स इधर है, या पे इक्वेटोरियल रीजन हो गया कुछ ऐसा है, सेंटर ये है। आपने ग्रेविटी पढ़ा है ना, क्या होता है ग्रेविटेशन, क्या था, GMM अपॉन आर्क स्क्वायर द फोर्स। कहने का मतलब ये है कि दो बॉडीज के अंदर, दो वस्तुओं के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो डिपेंड करता है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/r² के। कहने का मतलब ये है जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, ठीक है। सेंटर से जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा होगा उतना आपका फोर्स कम होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये रहा इक्वेटर पे, लेट्स सपोज ए है, यहाँ पे पोल्स पे एक पॉइंट पी है, ठीक है। तो मुझे आप एक बात बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, वो पी पे ज्यादा होगा या ए पे ज्यादा होगा, बताइए बताए। हाँ जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कहाँ ज्यादा होगी, ए पे ज्यादा होगी या पी पे ज्यादा होगा? बताओ, किधर ज्यादा होने का है? पे ज्यादा होगा फोर्स, कैसे? डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, पी पे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि केंद्र से, सेंटर से इसकी दूरी कम है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको दो एक्सट्रीम पॉइंट बता दिए, मतलब बिल्कुल ही अलग से पॉइंट बता दिए, भाई इक्वेटर सबसे दूर हो गया, पोल सबसे नजदीक हो गया। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स आपको दिखेंगे जहां पे आपको गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अलग अलग दिखेगी, डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर जगह की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से कितनी है, ठीक है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट सोर्स ही है कि पृथ्वी का कंपोजिशन अलग अलग है, इसी तरह से वेरी करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, या नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम प्लीज, दैट्स फाइन, यू मे वॉच रिकॉर्डिंग्स, दैट्स ओके, ठीक है। सो ग्रेविटेशन फोर्स आपको समझ आ गया है। अब अगली बात जो हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी। ये जो सिस्मिक एक्टिविटी है, ये है, सिस्मिक क्या होता है, ये भूकंप जिसको आप बोलते हो, अर्थक्वेक, सिस्मिक इज वॉट, अर्थक्वेक, ठीक है। सो ये वाला जो अर्थक्वेक है ना, इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना रहेगा, इनसे क्वेश्चन यही आते हैं कि मतलब पोल्स पे ज्यादा होगा या फिर इक्वेटर पे ज्यादा होगा, वो आपको मैंने बता दिया डिस्टेंस के साथ वेरी करता है ना, डेंसिटी मैंने आपको बता दी, प्रेशर भी आपको बता दिया, टेम्परेचर भी आपको बता दिया। ये ध्यान रखना कि ये इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं, ठीक है। टेम्परेचर आपने, अब ऐसे भी सोचो, अगर आपको कोई पूछे भी तापमान बताओ, तो आप तापमान नापने के लिए कोई डायरेक्टली नीचे थर्मामीटर लेके थोड़ी जा रहे हो,
आपको इंडायरेक्टली पता लगाना पड़ रहा है, प्रेशर है, प्रेशर। आपने जाओगे क्या नीचे? आप नहीं गए ना, तो आपको इंडायरेक्टली पता लग रहा है। इसी तरह से डेंसिटी भी है, डेंसिटी भी आप इंडायरेक्टली पता लगा रहे हो, समझ रहे हो। इसी तरह से सस्मेक एक्टिविटीज भी है। तो सस्मेक एक्टिविटी जो है उससे भी आपको, सस्मेक एक्टिविटी भूकंप, ठीक है जी। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, अर्थ क्या है, क्या थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम तुमको क्या हुआ दिख रहा है, क्या उल्टा उल्टा हो गया क्या कुछ। ओ ओ ओ ओ कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। वेट अ मिनट सर, इज इट फाइन ना? या इट इज, इट इज, इट इज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अभी थोड़ा सा ना कुछ टर्म्स पे ध्यान ना देने का, जैसे लिथोस्फेयर वगैरह भी ध्यान मत देना, मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करो मोटा मोटा, ठीक है, कि पृथ्वी की परतें क्या है। तो आप देखोगे, तो सबसे पहली परत जो आती है ना, वो इस तरह से लेयर्स जो है ना, कुछ इस तरह से अगर मैं काटूं, ठीक है, जो आपका सेंटर हो गया, ये आपकी क्रस्ट हो गई, ये आपका मेंटल हो गया, और ये आपकी एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है, ठीक है। इसी जैसे मेंटल को भी हम अपर मेंटल बोल देते हैं, लोअर मेंटल बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। मेंटल लगभग लगभग लिथोस्फेयर के बाद मेंटल स्टार्ट हो जाती है, मतलब क्रस्ट के बाद ही मेंटल स्टार्ट हो जाती है लगभग। अगर देखोगे तो कहीं पे, कहीं किताबों में 100 लिखा रहता है, कहीं पे 200 लिखा रहता है, 100 से लेकर 2900 किलोमीटर के आसपास आपका मेंटल का पोर्शन, ठीक है। उसके बाद आपकी ये आउटर कोर आती है, ये 2900 से लेकर के 5100 किलोमीटर तक है, और उसके बाद आपकी इनर कोर है। तो अगर आप मेजर पोर्शन आप अगर देखोगे, मेजर पोर्शन आप किसका देखते हैं, मेंटल का ही देखते हैं, ठीक है। तो तीन पोर्शन आपको मैंने बता दिए, कौन कौन से हैं, क्रस्ट है, क्रस्ट हो गई, मेंटल हो गई, ठीक है। तो जो क्रस्ट है, आप ये देखोगे ना, क्रस्ट क्या है, आपका सॉलिड पोर्शन, अपने वाला जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ठीक है। जो क्रस्ट है, क्रस्ट आपको समझ आ रहा है, एक तो आपकी दो तरह की हो सकती है, एक तो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब जिसपे महाद्वीप टिके हुए हैं, और एक आपकी ओशनिक क्रस्ट हो गई, ठीक है। तो महाद्वीपी, अब एक बात बताओ, इधर आते, इधर आओ, मान के चलते हैं क्रस्ट है, ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ये आपकी ओशनिक क्रस्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किसकी मोटाई ज्यादा होगी, ये है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपी क्रस्ट, और इसको आप बोलोगे महासागरीय। या ओशनिक। तो अगर मैं दोनों में पूछूं कि कौन सी क्रस्ट जो है उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, मोटाई ज्यादा होगी, तो आपका क्या आंसर होगा? मतलब अगर मैं सेंटर से पूछूं कि चलो मान लो, ये बताओ कि क्रस्ट है,
ऐसे क्रस्ट है, ठीक है, इसकी मोटाई ज्यादा है। मोटाई ज्यादा होगी, कॉन्टिनेंटल की ज्यादा होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं, सो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जब आप पढ़ने लगते हो ना, तो मतलब वो आपको ऐसे बोलेगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, ओशनिक क्रस्ट, उस तरह की बातें करेगा, ठीक है। तो आपको जब आप क्वेश्चन बेसिकली अटेम्प्ट कर रहे हो तो ध्यान देना है इस चीज, ठीक है। अब इसकी थिकनेस कितनी कहाँ और कितनी वेरी, जो आपकी क्रस्ट है, ठीक है, ये लगभग लगभग कितनी है, ठीक है। तो आप ये देख लो, क्रस्ट जो आपकी वेरी करती है वो 0 to 34 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 0 to 34 किलोमीटर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 25 माइल्स, लगभग लगभग 32 से 34 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल हो जाएगी, लगभग 8 किलोमीटर के आसपास आपकी तुम्हारी ओशनिक क्रस्ट रहती है, ठीक है। उसके बाद अगला आपका मेंटल शुरू हो जाता है। मेंटल इज लाइक व्हाट, लगभग 34 से लेकर के आपको 3200 किलोमीटर तक रहता है ना। तो ये शायद, ये अगर चाहते हो तो आप ये वाला डायग्राम एक बार आप बना लो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप बना लो उसको चलते, क्योंकि किताबों में ना थोड़ा सा ऐसा दे रखा होगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये सेंटर की तरफ जा रहा है, ये समझ तो आ रहा है ना, पता लगे मैं बताता तो जा रहा हूं और आपको गल पल्ले नहीं पै रही। मेरा ड्राइंग मस्त रहता है हमेशा, शेफल है। तो आपको समझ ही आ गया होगा ये कुछ है ना, कॉन्टिनेंटल वाला क्रस्ट हो गया, ये आपका कुछ पूछने वाला क्रस्ट हो गया इधर वाला है ना। अच्छा क्या हो रहा है यार, ठीक है, ये आपका क्रस्ट है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये लगभग 0 to 34 किलोमीटर होता है। सॉरी, 0 to 8 to 34 किलोमीटर होता है ना। तो आपका समुद्री लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होगा, 34 किलोमीटर ये हो जाएगा।
अब एक लेयर ये वाली है, तो यहां से लेकर के यहां तक इसको बोलते हैं मेंटल। भाई लगभग 2900 किलोमीटर तक, और फिर आपकी कोर है जो आपकी 6371 किलोमीटर तक। तो ये आपकी मेंटल हुई और ये आपकी कोर है। ठीक है, तो समझ आ गया, बहुत बेसिक है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आपने अभी देखा कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये रस्त हो गई यहां तक, है ना, ये ऑब्वियसली सॉलिड पोर्शन है। मेंटल जो है इसमें क्या होगा, इसमें आपका कुछ सेमी सॉलिड दिखेगा आपको, है ना, कुछ आपका सॉलिड भी दिखेगा। ठीक है, तो जब एक लेयर से, जब आप एक लेयर से दूसरी लेयर में जाओगे ना, कुछ कुछ मिल जा रहा होगा, इसी वजह से वो दूसरी लेयर बनी है, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या है गाइस, यहां तो हमने देख लिया क्रस्ट मेंटल कोर, होता क्या है, लगभग लगभग आप यहां से लेकर के लगभग कई किताबों में आपको 100 दिखेगा, कहीं पे आपको किताबों पे आपको 200 किलोमीटर दिखेगा, मतलब अराउंड 100 या 200 के आसपास। आप ये लगभग 100 मान के हम चलते हैं, लगभग लगभग 100 किलोमीटर तक जो होता है, ठीक है, ये आपका सॉलिड पोर्शन होता है। सॉलिड पोर्शन है, ठोस अवस्था है ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो क्रस्ट है, क्रस्ट तो सॉलिड होती ही होती है, तो क्रस्ट है, और क्रस्ट के बाद थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस आते हैं डेंसिटी वगैरह में, ठीक है, पर उसके बाद भी तुम्हारी मेंटल का भी कुछ पार्ट, लगभग ये अपर पार्ट ऑफ मेंटल ऐसे कर देता हूं, ये आपका अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ये वाला, ये भी थोड़ा सा सॉलिड ही है, ठीक है। तो जो सॉलिड पोर्शन है इसको हम बोलते हैं, एक अच्छा खासा इसका नाम है, और जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, क्या बोलते हैं हम लोग, लिथोस्फीयर, ठीक है, क्लियर है। अब लिथोस्फेयर के बाद एक पोर्शन आता है, ये थोड़ा सा ये अपर मेंटल है, यहाँ लगभग 700 किलोमीटर के आसपास, एक आपकी अपर मेंटल है लगभग 700 किलोमीटर, इसको आप ऊपरी सतह बोलते हो, अपर मेंटल बोलते हो।
है। ये अपर मेंटल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो लेयर है ना ये वाली, ये सेमी सॉलिड होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, तो आपका लिथोस्फेयर है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है बताओ। ऑब्वियसली क्रस्ट तो है ही है, प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। इसको वो कई तरीके से दे सकते हैं, ऑब्वियसली मेंटल का कुछ पार्ट वहां पे इंक्लूडेड है ना, सम पार्ट ऑफ मेंटल कर देगा, अपर पार्ट ऑफ मेंटल कर देगा, है ना, होल मेंटल नहीं है, मतलब थोड़ा सा पार्ट है जो आपका है। आर वी क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि लिथोस्फेयर क्या है, तो लिथोस्फेयर आपको पहले तो ये समझ आ जाएगा, क्योंकि आपका क्रस्ट और मेंटल का सॉलिड पोर्शन है उससे बना है। तो आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो आपका लिथोस्फेयर है वो तो क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा, सॉलिड पोर्शन हो, ठीक है। इस किससे बना है आपको पता लग गया, क्रस्ट है और अपर पार्ट ऑफ अपर पोर्शन ऑफ मेंटल है। ठीक है, आगे बढ़े गाइस। हाँ ना, कुछ तो आंसर करो भाई, लोगों समझ आ गया, नहीं आ गया आप देखो, दोबारा समझाओ, देखो दोबारा चलता है यार, आई डोंट नो, थोड़ा सा ना तो उसमें डर लगता है यार। बना के समझता, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, और मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ यार, ये मतलब ऐसा भी बना लो आप, ठीक है, मतलब इसको ट्राइंगल नहीं दे रहा, तो ट्राइंगल ही क्यों, अरे जैसा मर्जी ले लो यार, मतलब एक क्रॉस सेक्शन आपने काटा है, लो ऐसे ले लेता हूँ यार, क्रॉस सेक्शन है भाई, क्रॉस सेक्शन काटा है मैंने आपका, ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी का यहां तक का मुझे क्रॉस सेक्शन काटना, तो मैंने ऐसे करके ऐसे काट लिया, ठीक है। समझ आएगा पूरा। अब देखो, मैंने आपको बताया ये आपकी क्रस्ट है, लगभग 8 to 34 किलोमीटर की, ठीक है। क्रस्ट के बाद आपको पता है मेंटल है, 2900 किलोमीटर तक मेंटल आती है,
मेंटल में भी दो पार्ट है, आपको मैंने बताया था, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल है। तो अपर मेंटल वाली लाइन है वो आपकी 700 किलोमीटर पे है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये आपका मेंटल और ये आपका है लोअर मेंटल। ठीक है, सो लगभग लगभग यहां तक 100 किलोमीटर के आसपास, मतलब 100, कई किताबों में आपको 150 में 200 मिलेगा, रफली 100 किलोमीटर मान के आप चलिए, यहां तक ना ये पूरा सॉलिड है। इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, अब जरा समझो, तो इसमें ब्लैक में ना दूसरा कलर ढंग से दिखता नहीं यार, इसको कलर करके देखता हूँ, इसको या नहीं दिखेगा। चलो एनीवेज, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये आपको बताइए क्रस्ट, और ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये आपका अपर मेंटल, ये वाला मेंटल वाले तो मैं आते हैं। ठीक है, ये आपका अपर मेंटल है ना। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा है जो आपका लिथोस्फेयर है ना, वो ये है ना, यहां तक तो आपको क्या समझ आ रहा है, लिथोस्फेयर जो कवर कर रहा है वो आपको, एक तो ये क्रस्ट वाला पोर्शन कवर कर रहा है ये, ठीक है, और दूसरा ये आपकी अपर मेंटल है, अपर मेंटल का भी थोड़ा सा पार्ट ले रहा है। तो लिथोस्फेयर अगर आप बोलोगे तो किस किस का लिया, इसने क्रस्ट का पार्ट ले लिया और अपर मेंटल का पार्ट ले लिया। यहां तक क्लियर है या नहीं है? यार ऐसे हमको समझ नहीं आता, मैं एक पोल करा रहा हूं यार, एम क्रिएटिंग ए पोल राइट नाउ। पोल करा रहा हूं, एक मिनट देना मेरे को बस। लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, हिंदी मीडियम लिथोस्फेयर बन के मिला है, मिलकर के बना है, ठीक है, क्रस्ट बन करके बना, मिलकर के बना है, नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 कोर, नंबर 4 लोअर मेंटल, नंबर 5 अपर मेंटल, नंबर 6 ऑल। गाइस ये 15 सेकेंड का पोल होगा, ठीक है,
15 सेकंड का पोल होगा, सो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट्स में ना दें। वैसे मैंने कमेंट्स हाइड कर रखे हैं, आपको सबको एक दूसरे का आंसर नहीं दिखेगा, ठीक है? बट मुझे समझ आएगा कि क्लास में कितने लोग हैं और कितनों ने सही आंसर किया, ठीक है? सो मैं ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। चलो, योर टाइम स्टार्ट नाउ। कम ऑन। क्लास में लगभग 20-22 लोग हैं और 20-22 में से सिर्फ 3 आंसर्स। पांच, छः, चलो नहीं, बाकी क्या, ये मतलब 22 में से आपके जो आंसर्स मुझे दिख रहे हैं 15 लोगों के दिख रहे हैं, बाकी क्या चाय पीने आए हो क्या तुम लोग इधर? और आर बी स्लीपिंग इन द क्लास? फोकस करना शुरू कर दो, मैं बता रहा हूं आपसे, ये जब क्वेश्चन नहीं निकलोगे फिर आप बोलोगे कि नहीं जी समझ ही नहीं आया था, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। सो आंसर इज व्हाट? 1 in 5 क्रस्ट, और क्या है दूसरा? अपर मेंटल, ठीक है? गुड, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है गाइस, ये वाला क्या है? ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका है लोअर मेंटल। ये था आपका अपर मेंटल, ये आपका लोअर मेंटल, ठीक है? और इस लोअर मेंटल के बाद, इधर के बाद जब आप जाओगे तो एक आपको मिलेगी आउटर कोर, और एक आपको मिलेगी इनर कोर। जो आपकी आउटर कोर है, जो आपकी आउटर कोर है, वो आपका वही 5,155 किलोमीटर के आसपास, मतलब 2,900 से चलेगी, 5,155 पे आएगी, और ये लगभग 6,371 जो हम बात कर रहे थे, तो आप अपनी चौड़ाई डाल सकते हो, ठीक है? इस पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो गाइस मुझे बताओ। इसको हम बेरी स्फेयर भी बोलते हैं, आउटर जो कोर है ना, इसको आप आउटर बेरी स्फेयर भी बोलोगे, ये इनर बेरी 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 स्फेयर भी होता है, इनर बेरी स्फेयर। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर है, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर
एस्थेनोस्फेयर ये था 700, जो आपका लोअर मेंटल वाला पार्ट, इससे ऊपर वाला जो पार्ट था, मतलब कहाँ से कहाँ तक, लिथोस्फेयर और अपर मेंटल के बीच का, ये है आपका एस्थेनोस्फेयर, दिख रहा है? अरे भाई, ये है लिथोस्फेयर, अपर मेंटल के बीच का एस्थेनोस्फेयर। तो अपर मेंटल, ये तुम्हारा एस्थेनोस्फेयर है, लिथोस्फेयर के बाद आ रहा है अपर मेंटल है, ठीक है? तो अगर आप बोलोगे, तो अगर मैं पूछूं कि एस्थेनोस्फेयर, जैसे हम लिथोस्फेयर की भी बात कर रहे थे, ठीक है, उसी तरह से एस्थेनोस्फेयर क्या होगा? क्या हो रहा था? लिथोस्फेयर के नीचे बन रहा था और अपर मेंटल जहां से शुरू हो रही है, ऐसे बन रहा है, क्या कर सकते हैं? अपर मेंटल का ही पार्ट है। क्या है ये? सेमी सॉलिड है, मैंने आपको बता दिया था। तो हमने आपको लिथोस्फेयर कवर कर लिया है, स्थेनोस्फेयर कवर कर लिया है, आपका जो एक्सटेंड हो रहा था कि 100 पे आके आपका लिथोस्फेयर खत्म हो रहा था, और 700 से आपका लोअर मेंटल स्टार्ट हो रहा है, तो 100 से 700 के बीच में आपका लगभग लगभग 600 किलोमीटर का जो एरिया है वो एस्थेनोस्फेयर का है। ठीक है, अभी कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, एक बार फ्रेश डायग्राम में लेके चलता हूँ गाइस। आई वांट यू टू लाइक क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस पेज, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मुझे रोक देना अगर आपको ना समझ में आए, ठीक है? ऐसे लिखते हैं, वो नहीं बनाते ऐसे ही लिखते थे, ठीक है? हम देख रहे थे ये कुछ हमारी क्रस्ट है, 34 किलोमीटर तक हमने देखा था, वो खत्म हो गई है, सॉलिड सॉलिड ही है अभी चल रहा, ठीक है? उसके बाद हमने देखा था लगभग 100 किलोमीटर की सॉलिड पोर्शन चलता है, ठीक है? तो हमने इसको क्या बोला था, जैसे ये मान लेते हैं क्रस्ट है, इतनी है ना, हमने क्या बोला था इस वाले पोर्शन को? लिथोस्फेयर। और हम कहाँ तक पहुंच गए? लगभग 100 किलोमीटर तक पहुंच गए। पर हमने देखा था कि आपकी अपर मेंटल, मतलब यहां से शुरू होती है, या लोअर मेंटल, आप ये बोलते इधर लोअर मेंटल है, इधर अपर मेंटल है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला लिथोस्फेयर के नीचे वाला, ये आपका था एस्थेनोस्फेयर। कहाँ से शुरू हो रहा है? 100 से शुरू हो रहा है और 700 हो रहा है, ठीक है? ये क्या था? ये सॉलिड है, ये मैंने आपको बता दिया था, सेमी सॉलिड। उसके बाद लोअर मेंटल आपकी आ जाती है, लोअर मेंटल कहाँ तक जाती है आपकी? 2900 से 2900 किलोमीटर। और ये वाला जो जो आपका क्या कहते हैं उसको, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? सॉलिड, ठीक है? फिर आपकी आउटर वेरिस्फेयर, यार आउटर कोर आती है, वो आपकी क्या है? लिक्विड। ये फिर से आपकी सॉलिड। तो कई बार क्या होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
स्टेट के बारे में भी कि क्रस्ट कौन सी स्टेट पे है, सोलर स्टेट पे है, लिथोस्फेयर कौन सी स्टेट पे है, एस्थेनोस्फेयर कौन सी स्टेट पे है, ठीक है, आउटर कोर कौन सी स्टेट पे है ना, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, आप ऐसे याद कर लो, बहुत डिफिकल्ट होगा ना कौन सा क्या है, तो अगर आप ऐसे याद कर लो कि कौन कौन सी स्टेट सॉलिड लिक्विड है, आपके आउटर बेरिस्फीयर लिक्विड है, आउटर बेरिस्फीयर लिक्विड है, और आपका एस्थेनोस्फेयर आपका सेमी सॉलिड है, बाकी सारे आपके सॉलिड सॉलिड्स हैं। ठीक है, क्या मतलब आपका एस्थेनोस्फेयर और आपका आउटर कोर, ये दोनों सॉलिड नहीं है, ये आपका क्या है, सेमी सॉलिड है, और ये आपका लिक्विड, बाकी सारे सॉलिड है। ओए, समझ आई गल? समझ आ गया गल? दोबारा समझा देते हैं। मैंने जैसे बोला आपको दो चीजें ध्यान रखना, जो सॉलिड नहीं है, तो एक सॉलिड कौन सा नहीं है, एस्थेनोस्फेयर नहीं, इसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं, और आपका एक आउटर कोर बोलेगा, बाहर ऐसे लिखेंगे ना, बाहर कोर, ठीक है, ये आपका सेमी सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, इसके अलावा जो कुछ भी आएगा तो सबका सब पूरा का पूरा सॉलिड है। ठीक है, समझ आ गया। एस्थेनोस्फेयर आपका सेमी सॉलिड है, आउटर कोर आपका लिक्विड है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सॉलिड। दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बताया तो मैंने, दो चीजें, दो लेयर छोड़ के बाकी सब सॉलिड है। एस्थेनोस्फेयर जो आपका वो है दुर्बलता मंडल जिसको हम बोलते हैं, वो सेमी सॉलिड है, आउटर कोर आपकी लिक्विड है, इनर कोर सबसे डीप है ना, वो तो सॉलिड है। ठीक है, कुछ यार लेयर्स हैं गाइस, ठीक है, तो उनके बारे में क्वेश्चन आता है, बट मुझे लगता है शायद हम अर्थक्वेक पहले करें, ठीक है,
अर्थक्वेक करने के बाद, अर्थक्वेक करने के बाद हमें वो लेयर करनी चाहिए ताकि थोड़ा सा ना और उसको रिलेट कर पाओ। अभी तो रटोगे, है ना, जैसे कॉनरेड है, मोहो है, रैपिटी है, कॉनरेड, मोहो, CMRGL, लेमन है, ठीक है, गटनबर्ग है। क्योंकि टाइम, भूपर्पटी, प्रवर, मैग्मा, मेग्मा, मैग्मा क्या होता है? हाँ तो ठीक है, तो अभी ऑलरेडी हम 1.25 घंटा हो चुका है। आई थिंक हम पहले लेयर्स कर लें, है ना। भूकंप अगर करने चलेंगे तो शायद बहुत एक्सटेंड हो जाएगा क्लास, है ना। तो अपन ना लेयर कर लेते हैं। लेयर मतलब कुछ साइंटिस्ट हुए ना, जो जिन्होंने उनको स्टडी किया, तो उन्होंने अपने नाम से ना उनका नाम दे दिया है। तो चलते हैं, आज हम लेयर्स ही कर लेते हैं। अब देखो, जहां जहां से भी ना कुछ चेंज आ रहा है, जहां जहां से भी एक चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया है साइंटिस्ट ने? डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी बोला है। जहां भी चेंज आ रहा है, अब देखो दोबारा एक बार बनाते हैं। देखो कि डेंसिटी जो होगी ना, मैंने जैसे आपको बताया था, है ना, जो ऊपर ऊपरी वाली सतह है वहां पे ऑब्वियसली घनत्व जो है कम होगा, डेंसिटी जो है सरफेस पे कम होगी, है ना। सरफेस से जैसे आप नीचे आते जाओगे आपको डेंसिटी बढ़ी हुई दिखेगी, है ना। तो इसी तरह से जो क्रस्ट है ना आपकी, अभी हम आपको क्रस्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि क्रस्ट जो होती है ना, कुछ इस तरह से हमने पढ़ी है क्रस्ट, है ये आपकी महाद्वीपीय क्रस्ट हो गई ये वाली, और ये आपकी ओशनिक वाली, ओशन भरा पड़ा है ना। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो मोटी होती है कंपैरेटिवली ओशनिक क्रस्ट के, है ना, पढ़ा था ये। अब देखो, जो हम क्रस्ट की जब हम बात करें, सिर्फ अभी क्रस्ट की बात करना होगी, ठीक है। तो क्रस्ट में आप देखोगे क्या, ऊपर वाला पोर्शन है ना कहीं इधर, इसका घनत्व जो है ना कम है, तो जिसको डेंसिटी बोलते हो कंपैरेटिवली कम है। और एक लेयर के बाद, अब ये ऑब्वियसली नीचे आओगे थोड़ा सा, ये यहाँ पर अच्छा है, यहाँ क्रस्ट है, या दोबारा ही बनाऊँ मैं, तो छोटी चीज में कंफ्यूज हो जाता है। अभी हम सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ये कोई क्रस्ट है, ठीक है। यहां से जब आप देख रहे थे, ये डेंसिटी जो है ना यहां तक डेंसिटी ठीक ठाक थी, मतलब तो कम थी। अचानक से आपको क्या देखने लगा कि आपकी जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी जो है ना अचानक से बढ़ना शुरू हो गई, अचानक से बहुत बढ़ गई। ठीक है, अचानक से बहुत बढ़ गई। तो जब डेंस है तो ये पूरा का पूरा क्रस्ट ही, तो पूरा का पूरा क्रस्ट ही, लेकिन ये तो भूपर्पटी आप उसको बोल सकते हो, बट है क्या, ऊपर वाले में डेंसिटी ज्यादा है, नीचे वाले में डेंसिटी ज्यादा, ऊपर वाले में डेंसिटी कम है, नीचे ज्यादा है। तो
ये वाली जो लाइन है ना, जो ये वाला जो पोर्शन है ना, जो सेपरेट कर रहा है अपर और लोअर क्रस्ट को, मतलब इसको हमने अपर मान लिया, इसको हमने लोअर मान लिया, जहां पे डेंसिटी कम है उसको हमने अपर मान लिया, लोअर पोर्शन जहां पे डेंसिटी ज्यादा है उसको हमने लोअर पोर्शन मान लिया। तो इन दोनों के बीच का जो लाइन बन रही है, जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है या डिसकंटिन्यू बन रही है, जो इन दोनों के बीच में आ रही है, जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यूटी जो है आपकी, वो कहाँ है? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में। ठीक है, जो आपकी अपर क्रस्ट है और जो लोअर क्रस्ट है। अपर क्रस्ट क्या होगा? ऑब्वियसली जब मैंने आपको बताया था, जब आप सरफेस पे रहोगे ऑब्वियसली वहां पे दबाव कम रहेगा, दबाव कम रहेगा उससे क्या होगा, डेंसिटी आपकी कम रहेगी, घनत्व तो आपका कम रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से जब घनत्व तो ऊपर कम है, जब आप नीचे आओगे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, आपकी डेंसिटी, आपकी घनत्व तो बढ़ रहा है। तो इन दोनों लाइंस को जो सेपरेट कर रहा है, मतलब इन दोनों लेयर्स को जो सेपरेट कर रहा है, तो बीच में आपकी इन दोनों के हाथों जो, मान लो ये आपका ये क्या है, अपर क्रस्ट है और ये आपका लोअर क्रस्ट है। ठीक है, इन दोनों को जो बीच में डिसकंटिन्यू आ रही है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है, जो लेयर इन दोनों को सेपरेट कर रही है, उसको हम बोलते हैं कॉनरेड। कॉनरेड, कॉनरेड क्यों कॉनरेड बोल रहे हैं? कॉनरेड वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे काम किया था। ठीक है, क्लियर है? ज्यादा क्लियर है? ऐसे अपन को नहीं हो रहा है यकीन, हम तुमको पोल कराएगा, हम तुमको पोल कराएगा। 30 सेकंड्स का पोल है गाइस, हथियार वथियार संभालो आप अपने। ठीक है, मैं स्टेटमेंट्स पूछ रहा हूँ, दो स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको। प्लीज कंसिडर बिलो स्टेटमेंट्स। नंबर 1, एस्थेनोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर मिशन मैं आपको ऑप्शन जो है ना पोल में दे दूंगा, क्वेश्चन में इधर लिख रहा हूँ, टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन इज प्लीज कंसिडर बिलो स्टेटमेंट्स। ठीक है, एंड एंड फाइंड विच ऑफ देम आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1, लिथोस्फेयर लिथोस्फेयर हैज कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। नंबर 2,
Sphere is part lower mantle. Number three, asthenosphere is between lithosphere and lower mantle. Number four, inner core is solid. आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है जो करेक्ट वाले ऑप्शंस आपको बताने हैं, ठीक है? वन, थ्री, एंड फोर। सेकेंड ऑप्शन है वन, टू एंड थ्री। थर्ड ऑप्शन इज वन, टू, थ्री, फोर एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ दो, मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ। सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया है? टाइम स्टार्ट नाउ। गाइस प्लीज सो मत जाना यार, अभी लास्ट में पोल कराया, उसमें से सिर्फ 22 में से कितने 15 लोगों ने आंसर किया था, 7 लोग गायब ही थे। बोलिए सर। 6। अच्छा, हिंदी में बिलो स्टेटमेंट आप कंसिडर करो, लिथोस्फेयर सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जो सॉलिड वाला पोर्शन होता है, ठीक है? एस्थेनोस्फेयर आपका दुर्बलता मंडल है, जो लोअर मेंटल का पार्ट है। दुर्बलता मंडल जो आपका है वो लिथोस्फेयर और लोअर मेंटल के बीच का है। इनर कोर जो है आपकी, इनर कोर जो आपकी सॉलिड है। लिथोस्फीयर को स्थल मंडल बोलते हैं, लिथोस्फीयर
तो आपका लिथोस्फेयर हो गया स्थल मंडल, स्थनोस्फेयर आपका दुर्बलता मंडल है, ठीक है। ये आपका लोअर मतलब निचला प्रभार जो बोलते हैं, प्रभार जिसको आप मेंटल बोलते हैं ना, निचला प्रभार, तो ये बोल रहा है कि दुर्बलता मंडल जो है वो भूप्रभार, जो निचला भूप्रभार है उसका हिस्सा है, ठीक है। पोल्स में आंसर्स देखते हैं क्या हुआ है भाई। अच्छा भाई, और 3 लोग अभी भी गायब। वाह यार, ओके। तो अब एक एक करके स्टेटमेंट पे आते हैं। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या है? स्थल मंडल, पीयूष देखना, स्थल मंडल है ये। एक बार आप वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। स्थल मंडल है, स्थल मंडल हैज कॉन्ड्रा डिसकंटिन्यूटी। ये सही ऑप्शन है या फिर गलत है? स्थल मंडल जो है, लिथोस्फेयर है, उसी के अंदर कॉन्ड्रा डिसकंटिन्यूटी है। क्या ये सही है या फिर गलत है? पहला ऑप्शन सही है गलत है? लिथोस्फेयर जो है स्थल मंडल में ही कॉन्राड डिसकंटिन्यूटी है, ये ऑप्शन सही है या फिर गलत है? इसको जो डिसकंटिन्यूटी है ना, इसको अशांत तत्व बोलते हैं हिंदी में। तो कॉन्ड्रैट कॉन्ड्रैट रहेगा, डिसकंटिन्यूटी का मतलब है अशांत तत्व। तो स्टेटमेंट ये है कि लिथोस्फेयर में कॉन्ड्रैट अशांत तत्व है, कॉन्ड्रैट डिसकंटिन्यूटी है, ये करेक्ट है। हमने क्या बोला था? What did we discussed? हमने क्या बोला था? जो आपकी ये कॉन्ड्रा डिसकंटिन्यूटी कहां पे है? आपकी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा और भूपर्पटी का निचले हिस्सा, उनके बीच पे ये आपकी कॉन्ड्रैट की डिसकंटिन्यूटी है, कॉन्ड्रैट का अशांत तत्व है, कॉन्ड्रैट अशांत तत्व है। ठीक है, जब हम लिथोस्फेयर पढ़ रहे थे तो अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया था? ये तो सॉलिड पोर्शन होता है, और उसमें क्या क्या है? आपका भूपर्पटी है, प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल है, सम पार्ट ऑब्वियसली। लिथोस्फेयर में क्रस्ट है ना,
और क्रस्ट में आपका कॉनराड असांतत्य है, तो ऑब्वियस है ना कि लिथोस्फेयर में भी आपका कॉनराड डिसकंटिन्यू रहेगा, कॉन्टिन्यूटी रहेगी। जहां तक समझ आया कि नहीं आया ये बताओ भाई। अच्छा तो ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है, वो सही है वो। तुम तो लोग शांत क्यों हो भाई लोग है? चलो एक क्वेश्चन और मुझे बताओ यार। इनमें से कौन सा सॉलिड है, विच ऑफ देम आर सॉलिड, लिख लेते हैं सॉलिड ही पूछ लेते हैं, सब सॉलिड को। ठीक है, विच ऑफ देम आर सॉलिड, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, आउटर कोर, थर्ड इज बोथ नन, इसको आप बोलते हो दुर्बलता मंडल। आपका ऑब्वियसली है बाहरी बोलोगे इसको, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक अगले संदीप, अरे संदीप, मंजीत, अजीत, चैतन्य, अग्रिम, एस्थेनोस्फेयर। मैंने क्या बोला, विच ऑफ देम आर सॉलिड, एस्थेनोस्फेयर सॉलिड है, एस्थेनोस्फेयर सॉलिड है। ठीक चैतन्य, एस्थेनोस्फेयर में सॉलिड पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, अरे आंसर कर दिया तभी तो गलत हुआ। सॉलिड हमने क्या पढ़ा है, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ दो चीजें याद रखो, एक एस्थेरोस्फेयर याद रखो और एक आउटर कोर याद रखो, ये दोनों हैं जो सॉलिड नहीं है। बाकी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा रहेगा, बोल देना हाँ जी सॉलिड है, क्रस्ट आपकी सॉलिड है। ठीक है, क्रस्ट आपकी सॉलिड है, लोअर मेंटल आपकी सॉलिड है, इनर कोर आपकी सॉलिड है। जब एस्थेनोस्फेयर की बात आती है, एस्थेनोस्फेयर क्या है, आपका अपर मेंटल का पार्ट है, तो आप बोल सकते हो अपर मेंटल का जो पार्ट है वो सेमी सॉलिड होता है। एस्थेनोस्फेयर कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है,
जहां पे आपका लिथोस्फेयर खत्म होता है, 100 किलोमीटर, 100 से 150, ऐसे लिखे 100 किलोमीटर मान के चलते हैं, 100 से लेके 700 तक। संदीप, चैतन्य, आप वीडियो दोबारा देखो, आई कैन रिपीट इट, वो इतना सिंपल है यार, कितनी बार मैंने बताया आपको, एक बार दोबारा से वीडियो देख लो, नहीं आएगा तो मुझे फिर से बताने का। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, सिर्फ दो लेयर्स याद कर लो, एस्थेनोस्फेयर याद कर लो, ठीक है, और आउटर कोर याद रखो, ठीक है, बाकी सब सॉलिड है। यहां तक समझ आ गया भाई लोग? इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे ये टॉपिक हर हालात में खत्म करना है भाई, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया, जो आपकी कॉन्ड्रेट थी, तो आपकी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अब आगे आती है मोहो, ठीक है। अब मोहो जब आएगी तो किसको सेपरेट करेगी? एक, अब देखो, अब क्रस्ट आपका खत्म हुआ है, ठीक है, क्रस्ट खत्म हो गया है ना, है ना। अब डिफरेंस आप कहाँ देख रहे हैं? आप देखो ध्यान से, हमने क्या किया था, क्रस्ट खत्म किया, और इसके बाद ये आपका अपर मेंटल है। इन दोनों को भी सेपरेट करेगा ना, क्रस्ट को, क्रस्ट को और अपर मेंटल को भी तो कोई लाइन सेपरेट करेगी ना। दिस इज मोहो, तो मोहो किसको सेपरेट करता है? क्रस्ट को और अपर मेंटल को। समझ आ रहा है? तो अब यहां एक स्टेटमेंट बनता है, लिथोस्फेयर कौन, तो आपकी कॉन्ड्रेट तो होगी होगी और मोहो भी आएगी आएगी ना, क्रस्ट और किसको, अपर मेंटल को सेपरेट कर रही है वो, ठीक है, कॉन्ड्रेट मोहो असांतर, इसको सेपरेट कर रही है क्रस्ट को और अपर मेंटल को। लाइन बनाओ इधर, ये आपका अपर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से सेपरेट कर रही थी, ये आपकी कॉन्क्रीट थी, ठीक है। अब ये लोअर क्रस्ट या आप, ये पूरी पूरी क्रस्ट ही होगी ना। अब क्रस्ट और क्या है यहाँ पे, क्या है, अपर मेंटल है ना, इन दोनों को सेपरेट कर रही है, इसको क्या बोल रहे हैं, ओहो, और आपका क्रस्ट और अपर मेंटल मिला करके, अपर मेंटल तो नहीं, कपर, अपर क्रस्ट प्लस कुछ पार्ट ऑफ मेंटल मिला करके क्या बन रहा था, लिथोस्फेयर ना, तो लिथोस्फेयर में दोनों होंगे ना फिर आपके, कॉनराड और मोहो, क्या समझ आया एवरीवन? गाइस, ये समझ आई, गल समझ आई, गल समझ आई, इट क्लियर? आगे चलते हैं भाई लोग, थोड़े यार ये बहुत सिंपल समझ आ रहा है, सिंपल सिंपल, मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं ताकि पिछला ना भूल जाए। हमने कॉन्ड्रेट पढ़ ली, हमने मोहो पढ़ ली, अब आते हैं रेपिटेशन।
ठीक है ना, यस बहुत बार ही बोल रहे थे। अब देखो, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, कौन सेपरेट कर रहा है? कॉनरेड, ठीक है। क्रस्ट और आपकी अपर मेंटर को कौन सेपरेट कर रहा है? मोहो, मतलब ये आपका मोहो, ये आपका अपर, कौन सेपरेट कर रहा है? अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन सेपरेट करेगा? दैट इज एपिटी। ठीक है, उसी से लोअर मेंटल के बाद क्या आएगा? आउटर कोर आएगा। आउटर कोर को कौन लिखेगा? CMRGL, गुटेनबर्ग। और आउटर कोर और इनर कोर को कौन सेपरेट कर रहा है? लेमन। ठीक है, तो आपको इस तरह बना लो, CMRGL, सी फॉर कॉन्रेड, एम फॉर मोहो, आर फॉर रेपेटी, ए गुटेनबर्ग, रिले। Is that clear? बात है, सुपर क्लियर सुपर क्लियर ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है भाई साहब, क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा जो असांतत्य है या डिसकंटिन्यूटी है, सॉलिड लेयर और लिक्विड लेयर के बीच। सॉलिड कौन सी? इनर कोर। आउटर कौन सी? लिक्विड। कौन सी डिसकंटिन्यू सेपरेट कर रही है? लेमन। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि इनमें से कौन सी डिसकंटिन्यूटी जो है वो कोर में पाई जाती है। आंसर इज लेमन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी असांतत्य, कौन सी डिसकंटिन्यूटी जो है वो मेंटल में पाई जाती है। ठीक है, मेंटल में कौन सी पाई जाती है? एक तो लोअर मेंटल को, जो अपर मेंटल को सेपरेट करती है, एपिटी। नहीं करती है। लिथोस्फेयर में कौन सी है? लिथोस्फेयर में दो हो जाती है, एक कॉन्ड्राइट हो जाती है, एक मोहो हो जाती है ना गाइस? बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो गया है ऐसा लग रहा है। याद कर लो भाई लोगों, याद कर लो। ये कुछ नहीं, अगर समझ गया होगा तो आपने, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी गाइस, ट्रस्ट मी। अगर आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी ना, थोड़ा सा समझे हो, फिर आपको दिक्कत नक्को होएगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा ना, तो थोड़ा आइडिया आपको रहेगा। इधर एक ब्लैंक ब्लैंक शीट पे ना लिख लेते हैं, और गाइस इसको ना एक ब्लैंक शीट लेके घर पे भी ना लिखना, ठीक है, लिखना। तो हम एक मोटा मोटा बना लेते हैं पहले, है ना। एक तो हमने बनाना है क्या,
एक हम मोटा मोटा पहले बना लो, एक पोर्शन हमने पढ़ा क्या, ट्रस्ट पढ़ा था, एक हमने क्या पढ़ा, मेंटल पढ़ा, और एक हमने पोल पढ़ा, ऊपर पटी पर पटी ऐसे ही होती होगी हिंदी में गाइस। स्पेलिंग एक बार देख लेना, ये आपका प्रभार ही बोलते हैं इसको, प्रभार प्रभार प्रभार, प्रभार। ये आपकी अपन लोग यही पढ़ा है। हाँ हिंदी मीडियम थोड़े से ना आप बाइलिंगुअल रहने की कोशिश करो, क्योंकि ये कई बार ना पेपर में सीधा सीधा आपको प्रभार नहीं बोलेगा और सीधा सीधा आपको मेंटल दे देगा, ठीक है जी। तो वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्रस्ट मेंटल एंड क्रोड। अब हमने क्या पढ़ा था, है ना, ये तो आपकी क्रस्ट हो गई, मेंटल हो गई, और ये हमने तीन लेयर मोटी मोटी पढ़ी है। अब आपने भी इसमें में हमने देखा, ठीक है, क्रस्ट को भी हमने क्या किया है, एक आपकी हमने अपर क्रस्ट देखी है ना, और आपकी हमने एक लोअर क्रस्ट देखी। इसी से हमने मेंटल में भी क्या देखा, एक अपर मेंटल देखी और एक आपकी लोअर मेंटल देखी। इसी तरह से हमने एक इनर आउटर कोर देखी और एक हमने इनर कोर देखी। कितना देखा, ठीक है, पर इतना ही बात करेंगे, फिर हम एस्थेनोस्फेयर, वो जो हमने बेरिस्फेयर वगैरह जो पढ़ा था वो देख लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने क्या देखा, एक डिस्कंटिन्यू है, असांतत्य है, जिसको हमने कॉनराड बोला, ठीक है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में हमने देखा एक डिस्कंटिन्यू है, जिसको हमने रैपेटी बोला, ठीक है। और आउटर कोर इनर कोर के अंदर एक डिसकंटिन्यू है, जिसको हमने लेमन बोला, है ना। फिर हमने क्या देखा कि लोअर क्रस्ट जो है ना, ये वाली क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है, जिसको हमने क्या बोल दिया, मोहो। मतलब क्या था वो, आपका लोअर क्रस्ट और आपका अपर मेंटल। So, क्या बोल दिया आपने, मोहो। ठीक है, अब आपने क्या देखा, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है, लोअर मेंटल और एक आउटर कोर, उसको आपने क्या बोला, गुटेनबर्ग। तो कहने का मतलब ये है गाइस, आपको ये रटने का नहीं है, ठीक है। मैं आप एक बहुत सिंपल सा तरीका ऐसे भी कर सकते हो, आपको पता है, आप पहले तो ये लिख लो,
ये आप पहले लिख लो ऐसे ना, सी एम आर जी एल, ये आपको पहले लिख लो ठीक है। उसके बाद आप पृथ्वी के पाठ करते जाओ, जैसे सबसे पहले क्या होगा आपका अपर क्रस्ट, फिर आपका लोअर क्रस्ट, फिर आपका अपर मेंटल, फिर अपर मेंटल, फिर आपका लोअर मेंटल, फिर आपका आउटर कोर, फिर आपका इनर कोर है ना, इनके बीच में आप डाल दो। ये आपकी होगी कॉनरेड, ये आपकी होगी मोहो, ये होगी आपकी रेपेटी, ये आपकी होगी कुटनवर्ग, ये आपकी होगी लेमन। समझ आया साहब? समझ आ गया? इतना ही सिंपल है, CMRGL याद रखो, CMRGL याद रखो ठीक है। आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जब ये पेपर में आपको क्वेश्चन देखे ना, तो आप पहले बना लेना, आप बना लोगे तो फिर आपको आसानी रहेगा ठीक है सर। ओके सो गाइज, आज हम यहीं तक रखते हैं ठीक है, क्योंकि अगर हम टॉपिक अगला, क्योंकि जो अभी करना है वो अर्थक्वेक करना है, अगर हमने शुरू किया तो उसको भी करने में 1-1.5-2 घंटे लग जाएंगे ठीक है। तो जितना अभी तक हमने किया है प्लीज रिवाइज इट ठीक है। और जो लोग मुझसे ऐप पे नहीं जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब पे हैं ठीक है, तो यूट्यूब पे भी आपको वो दिख जाएगा, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 है ना। आप वो सेशंस आप देखिए कंटिन्यूएशन में, आप स्किप करके मत देखिएगा, आप तीसरा एकदम से मत देखना या फिर दूसरा एकदम से मत देखना, आप एक सीरीज में देखना, पहला देख लिया फिर दूसरा देखा फिर तीसरा देखा, एक कंटिन्यूएशन में है ठीक है। एक मैंने ये स्ट्रक्चर इस तरह से कर रखा है, सो दैट अगर आप इसको करोगे तो मतलब, अगर आपने पिछला लेक्चर किया हो तो आपको अगला ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, एक लिंकिंग है ठीक है। हमने स्टार्ट किया था लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड से है ना, उसके बाद अर्थ के इंटीरियर पे हम आए हैं, तो ये सारी की सारी जो चीजें हम कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से लिंक हमने करी हुई है। तो आप जब भी आप देखो कोर्स को, तो आप स्टार्टिंग से देखना ठीक है, पेस बढ़ा के मत देखना, आराम से तरीके से बैठो ठीक है, देखो लिखो ठीक है, लिखिए उसको बार बार लिखिए। आप व्हाइट पेपर लीजिए, लिखिए कि आपको क्या समझ आ गया, किसको क्या नहीं समझ आया ठीक है, आप उसको बार बार लिखिए। अगर फिर भी आपको चैलेंज रहता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम में जो चैनल है उसका भी आपको लिंक मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप का भी एक चैनल है, ब्रॉडकास्ट चैनल है, मैं उसको आपका लिंक दे दूंगा ठीक है। साथ में आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, इनफैक्ट आपको ये मेरा फोन नंबर भी दिख रहा होगा ठीक है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, तो जो भी आपकी कंफ्यूजन रहेगी, जो भी आपका रहेगा, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ऐसा चैलेंज कोई नहीं है। माइट टेक सम टाइम, लेकिन मैं डेफिनेटली इसको कर दूंगा। जो टेस्ट पेपर था कल जो मैंने अपलोड किया था यूट्यूब के ऊपर, उसका एक डिस्कशन सेशन मैं प्लान कर रहा हूँ, देखो या तो हम कल करके मैं अपलोड कर दूंगा ठीक है, कल करके मैं अपलोड कर दूंगा ऑब्वियसली ठीक है। यूट्यूब लाइव आना चाहता था मैं, बड़े सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं बहुत बड़ा टेकी नहीं हूँ ठीक है, टेक्निकल चैलेंजेस, टेक्निकल चीजें मुझे थोड़ी सी परेशान करती है, तो अभी जब तक कोई टीम में टेक्निकल बंदा नहीं आता है तब तक थोड़ा सा चैलेंज रहेगा ठीक है।
बाकी जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा, जो कुछ भी रही हो चाहिए होगा, ठीक है, तो वो सर्टेनली आपके लिए अवेलेबल रहेगा। बस मेरा प्लान यही है गाइस कि टीम रविंद्र से जितने जितने एस्पायरेंस क्रैक कर दें यूपीएससी और स्टेट पीएससी, इसको वही मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आई कीप ऑन लाइक हावरिंग ऑन यू गाइस। स्कोर्स आपके कम आते हैं, मतलब दुख मुझे होता है जब आप ये कहते हो ना कि बहुत फास्ट पेस किया था, जल्दी जल्दी में गलत हो गया, क्वेश्चंस मैंने ढंग से नहीं पढ़े, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी वेरी, सच में वो यहाँ लगती है यार, मतलब मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है, और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ करता हूँ कि आप उसको यूज कर पाएंगे। आप क्लास में सही आंसर कर रहे हो तो सेम क्वेश्चन घुमा करके आपको टेस्ट में पूछ रहा होता हूँ, आप उसको उसका जवाब नहीं दे सकते। आपको मैंने बताया इंडिया किधर है, राइट? आपको मैंने नक्शे में दिखाया, मैप में दिखाया कि किधर है इंडिया, उसके बाद भी इक्वेटर पासेस थ्रू इंडिया। यार ऐसे ब्लंडर्स करोगे तो फिर कहीं से चलेगा। यूपीएससी सच बता रहा हूँ, बाल की खाल, वो कहते हैं ना कि मैंने बहुत सारे टीचर्स को सुनते कहते हुए सुना है, बहुत सारे टीचर्स को, यूपीएससी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड। यस इट इज टफेस्ट, क्योंकि आपने कभी स्ट्रक्चर्ड मेहनत करी नहीं है। अगर आप जैसे भी हम टॉपिक कर रहे थे अर्थ के इंटीरियर का, हमने बहुत सारी लेयर्स कर ली, हमने असांतत्य जो डिसकंटिन्यूटीज थी वो कर ली, ठीक है। अगर आप अभी ये सोच के चले ना, ओ भाई साहब ये आज का लेक्चर ना मेरा आखिरी लेक्चर होना चाहिए, ये टॉपिक मुझे दोबारा तो वीडियो से करना ही नहीं है, मेरे को नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना लो, बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी पढ़ो ताकि आपको स्टेटमेंट समझ आए। कल अराउंड 60-65 लोगों ने ये टेस्ट दिया है, ठीक है, और 60-65 लोग जो थे जो जो आई थिंक कहीं ना कहीं से जुड़ गए थे उनमें, ठीक है। सो उन लोगों में भी जो गलतियां करी हैं वो यही है कि हम बहुत फास्ट पेस थे, हमने मुझे लगा ये तो बहुत सिंपल सा है, लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड ब्लड में है तो ये तो आसानी से हो जाएगा। जितनी चीजें आसान दिखती है ना वही खतरनाक होती है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। मतलब मैं आप लोगों को ना उसमें स्वप्न में नहीं रखना चाहता, सपने में नहीं जीने देना चाहता कि नहीं जी टेंशन मत लो हो जाएगा, ट्रस्ट मी हो जाएगा, लेकिन एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आई अपीयर फॉर यूपीएससी में, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, बहुत लेट स्टार्ट किया था, आई हैड माई लाइक बहुत सारे लोगों से एक एक सेशन में मैंने बात भी करी थी, देर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम द क्राउड, एक सेशन में था, मैं एक प्रोफेसर साहब थे, ठीक है, काफी रिनाउंड प्रोफेसर साहब है, नाम नहीं लूंगा मैं। उन्होंने बोला कि सर आप ना मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, ज्योग्राफी इज लाइक बहुत अच्छा पढ़ा देते हो। तो मैंने बोला सर देखो अब ये है कि थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, ठीक है, बट ये है कि शायद मेरी इतनी एज नहीं होगी ना, जितनी देर जितने टाइम से आप पढ़ा रहे हो। तो ज्योग्राफी में मैं ये नहीं बोलता कि मुझे सारी किताबें आती हैं, जो भी क्वेश्चन सामने आएगा मैं उसमें, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मुझे ये पता है कि यूपीएससी या यूपी यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज में क्या पूछते हैं, कितना पूछते हैं। मुझे अपने स्टूडेंट्स को जाकर के पीएचडी या पंडित नहीं बनाने का, उनको मुझे सिर्फ उनको उतना ही बताने का है जितने से उनका काम चल जाए, उनका सिलेक्शन हो जाए।
है, ये आई एम अ टीचर, आई एम अ लेक्चरर फॉर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी उतनी पढ़ाता हूं जितनी काम की है। ठीक है, सो गाइस मेरा सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव है। जितना अभी अभी मैंने कुछ आपके कमेंट्स देख रहा था, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में देख रहा था, हम बात कर रहे थे ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की, बहुत ज्यादा मुझे को नहीं कितने नीचे तक पहुंचे, लगभग 12 किलोमीटर के आसपास तक पहुंचे। ठीक है, राइट, कैसे हुआ, कौन सी कंपनी ने किया, ये आपसे नहीं कोई पूछ रहा है कि जो 12 किलोमीटर की ड्रिलिंग आपने ओशन में करी है वो कौन सी कंपनी ने करी है। ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, कोई भी नहीं पूछ रहा आपसे। जब पूछ नहीं रहा है तो फिर गूगल करके क्या मतलब है, गेट माय पॉइंट? सो क्लैरिटी रखिए, जहां पे आपको कंफ्यूजन लग रहा है प्लीज आस्क आस्क मल्टीपल टाइम्स। मैं आपको मुंह पे साफ 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 बोल दूंगा, नहीं यार ये क्वेश्चन रिलेवेंट है, यू शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन दिस। ठीक है, और या लाइव आने की कोशिश करिए, है ना, लाइव आओगे क्वेश्चन अगर आपके रहेंगे तो आप उसे डायरेक्टली आंसर कर सकते, मतलब ऑन द टाइम, व्हाट यू कॉल दैट, द सेम टाइम आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ अपनी एप्लीकेशन का भी, और ये जो चैनल जिसकी हम बात कर रहे थे, टेलीग्राम है ना, व्हाट्सएप, आई एम ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, इंस्टाग्राम फेसबुक है ना, तो मैसेजेस तो ये है कि मेरी टीम देख लेती है, बट या जो भी आपका रेलिवेंट क्वेश्चन रहता है जो भी रहेगा, सो आई विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड, आपके जो भी मैसेजेस रहते हैं उधर तो मैं डायरेक्टली उनको देख रहा होता हूँ। ठीक है सर, सो ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गाइस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। सेशन अच्छा था, बुरा था, कैसा था, प्लीज डू सेंड मी अ मैसेज ऑन दैट। ठीक है, ऑफलाइन से थोड़ा सा, या ऑनलाइन आने में थोड़ा दिक्कत होता है, राइट, ऑफलाइन में आप स्टूडेंट्स को सामने से देख सकते हो, आप उनके चेहरे पढ़ सकते हो किसको कितना समझ आ रहा है, आप सीधा डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो, अच्छा बताओ, आप खड़े हो जाओ बताओ। ऑफलाइन, ऑनलाइन में एक तो स्टूडेंट्स को पता है टीचर मुझे देख नहीं रहा है, तो ऐसे ना अंगड़ाई में पहुंच जाते हैं, रजाई के अंदर पैर पहुंच गए। ठीक है, पढ़ रहे हैं ना, पोल्स पर देख लो, एक टाइम पे मैंने देखा था कुछ 30 के आसपास लोग भी हो गए थे, 30 में से आंसर थे 10 के, मैंने मैंने बोला कि क्या हो रहा है तो 8 ड्रॉप हो गए, 22 रह गए उधर। ठीक है, 22 में से 15-16 रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो ये आपने मेहनत उतनी करनी है। देखो यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पर सिविल सर्विसेज में, किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आप एक्स एच पे नहीं पहुंचोगे, और एक्स एच पे पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप वो मेहनत 1 साल में कर लो, 2 साल में कर लो, या आप अपना पंचवर्षीय योजना बना लो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। एक अच्छा टीचर आपकी मेहनत में थोड़ी सी कटौती करवा सकता है। ठीक है जी, सो आई होप आई कुड कन्वे द मैसेज टू यू गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, हैव अ गुड वन अहेड, जय हिंद।